नमस्कार दोस्तों, कैसे करें .com में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टीपी लिंक के राउटर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ दोस्तों का सवाल था कि अगर हमारा टीपी लिंक हम लोग जो है वो रीसेट करना चाहते हैं, यानी कि उसके अंदर सेव की हुई सारी सेटिंग्स को उड़ाना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ का सवाल था कि उसका जो बटन है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे में क्या करें। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप जो है अपने टीपी लिंक के राउटर को जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं, यानी जो सेटिंग्स हम उनको उड़ा सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सीख लीजिए कि कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले जो जरूरत है दोस्तों, वो हमारे पास में हमारे फोन का, और वो भी हमारे उस राउटर से जो है वो कनेक्ट हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में हम जानकारी जो है वो चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो करना है दोस्तों, वो आपको हम बता रहे हैं, हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे बाकायदा कि कैसे और आपको जो है वो क्या करना है। सबसे पहले आपको जो दोस्तों करना है, वो आपको विजिट करना है अपने गूगल के प्ले स्टोर में, और वहां से आपको डाउनलोड करना है टीपी लिंक के नाम से। जैसे ही आप टीपी लिंक सर्च करेंगे दोस्तों, जैसा कि हम बिल्कुल स्क्रीन में दिखा रहे हैं दोस्तों, जैसे ही आप टीपी लिंक सर्च करेंगे, सबसे पहला जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा टीपी लिंक टीदर, जो कि टीपी लिंक टेक्नोलॉजीज को डॉट लिमिटेड कंपनी से होगा। तो दोस्तों आप उसको क्लिक कर लीजिए इंस्टॉल, और एक्सेप्ट पे क्लिक करके जो है आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ ही सेकंड्स में दोस्तों जो है ये आपका जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको ओपन करना है इसको, जैसा हम आपको बिल्कुल स्क्रीन में दिखाएंगे। जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाए दोस्तों, आप इस ऐप के थ्रू हर वो काम कर सकते हैं जो आप टीपी लिंक के बारे में जानना चाहते हैं। काफी जानकारियां हमने पहले भी आपको दे दी है, जो आपको आई बटन में आपको मिल जाएगी। हमारा जो टीपी लिंक राउटर का जो ऐप है दोस्तों, वो डाउनलोड हो चुका है। हम करते हैं ओपन पे क्लिक। अब दोस्तों जैसे आप लॉग इन करने के लिए आपको जो है 3 times स्वाइप करना है राइट साइड में, और उसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, जो आपकी डिवाइस कनेक्टेड है इसके साथ, वो आपको दिखा दी जाएगी, जैसा कि हमारे को दिखाया जा रहा है TL-WR840M। आप उसको क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपसे जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों इसका पासवर्ड और यूजर नेम जो होता है दोस्तों, वो एडमिन होता है। तो आप एडमिन एंटर कर लीजिए और लॉगिन पे क्लिक जो है वो कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका जो राउटर है वो लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि आप जो है वो इसको रिस्टोर, यानी जो सेटिंग्स है उनको कैसे उड़ा सकते हैं अगर आपका बटन जो है वो वर्क ना करे। अगर दोस्तों आपके राउटर का बटन वर्क ना करे, तो भी आप जो है इसको रिस्टोर कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो है नीचे दिए गए येलो कलर का जो बटन है दोस्तों, उसको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पहला जो ऑप्शन होगा आपके सामने वो होगा रिबूट, उसके बाद होगा दोस्तों फैक्ट्री डिफॉल्ट्स। तो दोस्तों जो फैक्ट्री डिफॉल्ट्स है, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, आपकी जो सारी सेटिंग्स है दोस्तों, उसको जो है उड़ाने के लिए, यानी कि जो है खत्म करने के लिए आपको जो है वो बोला जाएगा। यानी अगर आप इसको कर देते हैं दोस्तों, तो आपका जो राउटर है वो बिल्कुल जैसा आपने नया परचेज किया था दोस्तों, वैसा हो जाएगा। तो आपको जो क्लिक करना है फैक्ट्री डिफॉल्ट्स पे एक बार फिर से, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, रिस्टोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही सेकंड्स के बाद जो है वो आपका राउटर रीसेट हो जाएगा। उसके बाद जो आप नई सेटिंग्स जो करना चाहें दोस्तों, वो कर सकते हैं। हम आपको आगे की जानकारियां, जैसे कि आप कैसे जो है अपना अकाउंट जो है वो सेटअप कर सकते हैं टीपी लिंक के राउटर में थ्रू मोबाइल, वो भी हम आपको आई बटन में डाल देंगे। आप कंप्यूटर के जरिए जो है वो कैसे कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। हमने पहले से आपको बता दिया कि आप पासवर्ड चेंज कैसे कर सकते हैं, नाम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी आप जो है हमारी चैनल के क्लिक करके जो है वो आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक कर दीजिए। थंब अप करने में आपका जो है कोई चार्ज नहीं होता है दोस्तों। आप अगर जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर भी जो है वो कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। सब्सक्राइब के बटन पे जो है वो रेड कलर का आपको जैसा दिखाया जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कैसे करें।